एक किसान के खेत में भालू का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल मामला बुरहानपुर जिले के शाहपुर रेंज के धामड़ गांव वन परिक्षेत्र का है, जिसकी सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। माना जा रहा है कि भालू का शिकार किया गया है, जबकि दूसरी ओर वन प्राणी फोरेंसिक टीम द्वारा भालू के शव का शाहपुर रेंज में पीएम किया गया है। बताया गया कि भालू के शव से दोनों हाथ, पैर और गुप्तांग भी नदारद पाए गए हैं, जिसके आधार पर भालू के शिकार की आशंका जताई गई है। हालांकि आरोपी की तलाश की जा रही है। 8 बजे हमको एक खबर मिली थी कि धमन गांव के कृषि क्षेत्र में एक रीछ की डेड बॉडी है किसी के खेत में, तो रात में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए बॉडी को वहां से जब्त किया है। उसकी लगभग एक दिन पुराना शव था, 24 घंटे के अंदर की डेथ थी उसकी। और अभी वर्तमान में मैंने इंदौर से डॉग स्क्वाड बुलाई है किसी शिकार या इसकी आशंका को वेरीफाई करने के लिए। डॉग स्क्वाड कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँच जाएगी और उसके बाद में हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे, डिटेल पोस्टमार्टम, क्योंकि रीछ ये अनुसूची एक का प्राणी है वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में। तो उसके पोस्टमार्टम की जो प्रोटोकॉल है, पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका शिकार हुआ है या नेचुरल मृत्यु।